नमस्कार मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। बिहार सरकार लाख दावे कर रही है कि बाहर से जो मजदूर आ रहे हैं उनको हर पंचायत के अंदर सरकारी स्कूल पे रखने का प्रावधान है और उनको हम बेहतर सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। सुविधा जैसे 500 या 1000 रुपए उनके खाते में देने का और बेहतर खाने पीने की व्यवस्था मुखिया द्वारा कराया जा रहा है, मच्छरदानी, बेडशीट, दरी, लुंगी, तौलिया और क्या कहते हैं थाली, लोटा, बाल्टी, जग, गिलास, सैनिटाइजर, साबुन, मास्क, ये सब चीजें मुखिया के द्वारा उनको सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन हकीकत चीज तो जमीनी स्तर कुछ और ही, जमीनी हकीकत कुछ और है। मैं रहिका प्रखंड पंचायत इजरा जिला मधुबनी से हूं। बगल में हमारे मलंगिया पंचायत है जहां पे 5 मरीज पॉजिटिव के पाए गए भी हैं। वहां का भी मैं अभी दौरा करके आ रहा हूं। वहां पे स्कूल पे मैंने पूछा लोगों से, किसी भी प्रकार की सुविधा मुखिया के द्वारा नहीं दी गई है। तो आप समझ लीजिए, इजरा पंचायत में ही रख लीजिए, अभी तक उनको मच्छरदानी, कपड़ा लत्ता, जो भी सरकार के द्वारा जो दावा कर रही है, सरकार कर रही है कि हम ये चीज मुहैया करा रहे हैं, लेकिन ये सब चीजें कुछ भी अभी तक, यहां तक के सैनिटाइजर वगैरह 2 महीने के दरमियान भी इजरा पंचायत में आज तक नहीं हुआ है। ना ही किसी को साबुन मिला, ना ही किसी को मास्क मिला, कोई भी चीज अभी तक हमारे भी पंचायत में नहीं दिया गया है। तो बिहार सरकार की या तो दावे झूठे हैं या बिहार सरकार एक लूट की सरकार है। हम कहें तो इसे लूट की सरकार कहें कि फंडिंग तो हम करोड़ों के हिसाब से करते हैं, अरबों रुपए के हिसाब से करते हैं, लेकिन वो फंडिंग बंदर बांट। मैंने कल कहा था वीडियो के अंदर कि हमारे देश में अब गिद्ध देखने को बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि गिद्ध का रोल हमारे जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। समाज को नोचने का काम हमारे राजनेता जनप्रतिनिधि कर रहे हैं और सरकारी कर्मचारियों में बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी 90% ऐसे कर्मचारियों की मात्रा होगी, 90 से ऊपर ही होगा, 2-4% सरकारी कर्मचारी जो हैं हमारे, वो सब मतलब सब नहीं, कुछ परसेंटेज छोड़ दें, क्योंकि ईमानदार हर जगह संसार में है बसे हुए, कर्मचारियों में भी ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन ईमानदारियों का जहां पे 100 में 95 चोर होंगे, उस 5 का क्या वैल्यू रहेगा, समझ सकते हैं। तो ऐसे कर्मचारियों की भरमार है, लूट की एक सरकार है और इतनी पर्याप्त मात्रा में जनता का ये लोग हक अधिकार लूट रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो बिहार सरकार आप देख लीजिए, दारू बंद किया था 2015 के चुनाव में, बिहार सरकार ने घोषणा किया था कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं बिहार में दारू बंद कर दूंगा। सरकारी एजेंसी के अनुसार बिहार में दारू बंद हो गया, लेकिन माफियाओं की चांदी हो गई बिहार सरकार के, जो माफिया सब है उनकी चांदी हो गई। आज गांव में, हर गांव में दारू बिकता है, जगह जगह बिकता है,
अंतर सिर्फ इतना सा है, जो बोतल पहले 400 रुपए का मिलता था अब 1,000-1,200 रुपए का मिलता है। तो मतलब मिला जुला के कितने व्यापम पैमाने पे बिहार के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला है, इससे आप लोग समझ सकते हैं। बिहार सरकार, माननीय नीतीश कुमार की सरकार, आज यदि बिहार के अंदर कोरोना वायरस फैल रहा है तो उसके जिम्मेदार बिहार सरकार है और केंद्र की सरकार है। जब 100 कुछ मरीज था तब लॉकडाउन कर दिया गया था हमारे हिंदुस्तान को, जबकि पूरा मौका था, केंद्र सरकार यदि चाहती तो एक एक व्यक्ति अपने अपने घरों को एक हफ्ते का रेलगाड़ी चला के एक एक व्यक्ति घर को पहुंच जाता, लेकिन ऐसा केंद्र सरकार ने बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि केंद्र सरकार की मंशा बिहार ही नहीं पूरे देश के अंदर गरीब मजदूरों को एक मारने का, यह बीमारी फैलाने का और गरीब मजदूरों को गुलाम बनाने का एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान केंद्र सरकार के द्वारा रचा जा रहा है। तभी तो बिहार के, यूपी के और तमाम राज्य के मजदूरों को दो टाइम की रोटी तक इस सरकार ने मुहैया नहीं कराया है। तभी तो आज गरीब जनता रोड पे विरोध करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी, मैंने कहा था कि जब पेट में आग लगेगी तो आपका कोई लॉकडाउन कोई नहीं मानेगा, क्योंकि पेट की आग जब है ना तो सारे नियम निष्ठा कानून हर व्यक्ति भूल जाएगा। और वही चीज देश के अंदर देखने को मिल रहा है, और आप ही के गृह क्षेत्र गुजरात, गुजरात में जितना मैं समझता हूं मजदूर सब रोड पे उतरे हैं, हिंदुस्तान के किसी शहर में नहीं इतना रोड पे उतरा है, क्योंकि आपकी घटिया व्यवस्था ऐसी है। और उससे भी बड़ी बात ये कि जो भारतीय जनता पार्टी को एक ईमानदार पार्टी लोग समझते हैं, वास्तव में वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी चोर और लुटेरी पार्टी है, इसका मैं प्रमाण पेश कर रहा हूं। गुजरात के अंदर मजदूरों से, उनके भाजपा के कार्यकर्ता पैसा वसूली कर रहे थे, 1,000 रुपए पर आदमी तब उसका आवेदन लिया गया है, कहीं पे 3,000, कहीं पे 1,000, कहीं पे 1,000 रुपया, कहीं पे 2,000, ऐसे करके लोगों से पैसा लिया गया है, तब वो घरों को पहुंचे हैं। तो कितनी बड़ी लुटेरी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, आप लोग समझ सकते हैं, ये समझना होगा हम लोग को। आज भी केंद्र सरकार दिल्ली से जो ट्रेन चलाई है 15 जोड़े, वो किसी गरीब मजदूर के लिए ट्रेन नहीं चला है, वो ट्रेन चला है वीआईपी लोगों के लिए, जिसकी 3,000 से लेकर 4,000 तक का टिकट है। और जो व्यक्ति मान के चलिए बेचारे खाने के लिए मर रहे हैं, वो 3,000 और 4,000 रुपए की एसी की ट्रेन की टिकट कैसे ले सकते हैं? तो कितनी गरीब की हमदर्द है, यहां से आप लोग समझ सकते हैं, ये आप लोग को समझना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी, सीताराम, मां भगवती मां जगदम्बे, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्रियों को थोड़ी सतबुद्धि देना माता, जो गरीब आदमियों पे ये लोग थोड़ा तरस खाए। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।